क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे SST का चैप्टर 7, रूल्स लॉज एंड गवर्नेंस। फर्स्ट टॉपिक है आपका लॉज एंड देयर नीड। लॉज यानी कि कानून और उनकी ज़रूरत। ऑल रूल्स मेड बाय सम अथॉरिटी, सारे रूल्स आपके कुछ अथॉरिटी यानी कि अधिकार के तौर पर बनाए जाते हैं। फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, जो लोगों के बिहेवियर यानी कि बर्ताव को रेगुलेटिंग नियमित करता है, आर कॉल्ड लॉज, इन्हें हम कानून बोलते हैं। इन आर कंट्री, हमारे देश में लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमारे देश में कानून पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती हैं। लाइक द रूल्स फॉर फैमिलीज एंड प्लेग्राउंड, वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड फोर्स देयर राइट्स एंड सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि आपके रूल्स होते हैं फैमिलीज और प्लेग्राउंड के लिए, वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल, हमें उसी तरह से ज़रूरत होती है लॉज की लोगों को बचाने के लिए, एंड फोर्स देयर राइट्स, उनके जो अधिकार हैं उन्हें लागू करने के लिए, एंड सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, और उनके जो झगड़े होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल्स, व्हेन टू स्ट्रीट क्रॉस ईच अदर, जब दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, देयर इज़ अ स्टॉप साइन, वहाँ पर एक स्टॉप का साइन होता है। अ लॉ सेज दैट, एक कानून कहता है कि यू मस्ट स्टॉप व्हेन यू सी दैट साइन, जब आपको वो साइन दिखाई देता है तो आपको रुकना चाहिए। इफ़ यू ड्राइव थ्रू दैट स्टॉप साइन, यदि आप स्टॉप साइन के बाद भी ड्राइव करते हैं, यू माइट हिट अनदर कार, आप दूसरी कार को हिट कर सकते हैं। द पीपल इन द अदर कार माइट बी इंजर्ड, और जो लोग होते हैं दूसरी कार के अंदर उन्हें चोट पहुंच सकती है और इवन किल्ड, और वो मर भी सकते हैं। इसलिए जब आपको स्टॉप का साइन दिखाई दे तो आपको रुकना चाहिए, ना कि उसके बाद भी आपको ड्राइव करते रहना चाहिए। सेकंड, व्हाट इफ़ यू सेव्ड योर बर्थडे मनी, क्या होगा कि आप अपनी जो बर्थडे मनी है, बर्थडे पर जो पैसे मिलते हैं उन्हें सेव करते हैं, एंड वाउट अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल, और आप एक नई ब्रांड न्यू साइकिल खरीदते हैं। द लॉ सेज दैट, कानून कहता है कि द बाईसाइकिल इज़ नाउ योर्स टू कीप, बाईसाइकिल यानी कि साइकिल अब आपकी है, आपको रखनी है। वॉट इफ़ समवन आल्सो सो दैट बाईसाइकिल एंड लाइक्ड इट, यदि कोई उस साइकिल को देखता है और उसे पसंद करता है, कुड ही कम एंड टेक द बाईसाइकिल अवे फ्रॉम यू, क्या वो आपसे वो साइकिल ले सकता है। ही मे ट्राई, वो ट्राई कर सकता है, बट लेकिन दैट इज़ अगेंस्ट लॉ, लेकिन ये कानून के अगेंस्ट है। ही कुड बी अरेस्टेड, यदि वो ऐसा करता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। वॉट इफ समवन डिसाइडेड टू फिक्स अ टेंट ऑन योर फ्रंट यार्ड, आपके फ्रंट यार्ड में जो आपका मैदान होता है उसमें अगर कोई भी आकर वहाँ पर टेंट लगा दे तो क्या होगा। कैन ही डू दैट, क्या वो ये कर सकता है। नो, नहीं, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है। योर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, आपकी प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग करती है। नो वन एल्स कैन क्लेम इट, कोई भी उस पर अधिकार नहीं जता सकता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नेंस यानी कि शासन। गवर्नेंस इज द वे दैट अ प्लेस, टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल हु रन इट। गवर्नेंस एक वे होता है जो एक गांव को, टाउन, कस्बे, सिटी, शहर, स्टेट, राज्य और कंट्री या फिर देश को इस कंट्रोल बाय द पीपल हु रन इट, वो लोग कंट्रोल करते हैं जो इस शासन को चलाते हैं। गवर्नेंस इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स, इंडिया में जो गवर्नेंस यानी कि शासन है वो तरह तरह के लेवल पर होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विलेज लेवल यानी कि गांव के लेवल पर।
फॉर ब्लेज गवर्नेंस, गांव की शासन के लिए ग्राम पंचायत इज अ ब्लेज बेस्ड सेल्फ गवर्नेंट इन इंडिया। इंडिया में गांव की शासन व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत होती है जो गांव के स्तर पर चलाई जाती है। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ब्लेजर्स ऑफ एज 18 एंड ओवर। जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन्हें गांव के लोग ही चुनते हैं, जो 18 साल के होते हैं या फिर 18 साल से ऊपर के होते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के पीरियड के लिए जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 साल तक चलती है। एक ग्राम पंचायत आपकी 5 साल तक काम करेगी, फिर दोबारा उसके चुनाव होते हैं। द मेन ड्यूटीज ऑफ ए ग्राम पंचायत आर, ग्राम पंचायत के मेन ड्यूटीज यानी कि मेन कर्तव्य जो होते हैं, फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग वर्क ऑफ रोड्स इन ब्लेज। ब्लेजेस यानी कि गांवों के जो रोड होते हैं उन्हें बनवाना, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, और जो टूटे फूटे हैं उन्हें रिपेयर कराना। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव करना। अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, पीने के पानी की अरेंजमेंट करना और सैनिटेशन फैसिलिटीज यानी कि शौचालय की सुविधा रखना। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि प्रोविज़न यानी कि नियम स्वास्थ्य और सुरक्षा के। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस इन द प्लेस, गांव में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनकी डेथ होती है या जिनकी शादियां होती हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स को रखना। टू प्रोवाइड स्कूल फॉर एजुकेशनल ऑफ ऑल, सभी के लिए स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराना। प्लांटेशन एंड डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स, डिचेस एंड डैम्स, प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण करना, पौधे वगैरह लगाना। डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स, डिचेस एंड डैम, तालाबों, डिचेस खाई और डैम्स यानी कि बांधों की खुदाई करना, ये सारे काम होते हैं ग्राम पंचायत के। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द अबव ड्यूटीज द ग्राम पंचायत नीड्स मनी। द मनी सोर्सेज आर, जो ड्यूटीज ग्राम पंचायत कभी बताई थी उन्हें चलाने के लिए ग्राम पंचायत को पैसों की ज़रूरत होती है, और वो मनी के सोर्सेस हैं आपके, फर्स्ट ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड जिला परिषद, जिला परिषद और राज्य सरकार से अनुदान मिलना। प्रॉपर्टी टैक्स, एनिमल ट्रेड टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एनिमल ट्रेड टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स, जो श्रद्धालु वगैरह आते हैं वो टैक्स, और जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, इन सब के थ्रू जो मनी आती है वो मनी सोर्स होते हैं ग्राम पंचायत के। नेक्स्ट गवर्नेंस है टाउन एंड सिटी लेवल, कस्बे और शहर के स्तर पर। इन इंडिया, भारत में नगर पालिका और म्यूनसिपालिटी और नगर निगम इज एन अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी दैट एडमिनिस्टर्स अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन 1 लाख और मोर। इंडिया में नगर पालिका या म्यूनसिपालिटी या फिर नगर निगम एक अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी होती है, यानी कि एक शहरी स्थानीय शासी निकाय होते हैं जो प्रशासन करते हैं, जो जहाँ पर आपकी 1 लाख यानी कि 1 लाख तक पॉपुलेशन होती है वहाँ पर आपकी नगर पालिका, म्यूनसिपालिटी या नगर निगम होते हैं। जनरली स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट सिटीज एंड बिगर टाउन्स हैव अ नगर पालिका। जनरली आपके जो छोटे जिले होते हैं, सिटीज़ शहर होते हैं, बिगर टाउन्स बड़े कस्बे होते हैं, उनमें नगर पालिका होती है। सेकंड, महानगर निगम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज अ स्टेट फॉर्म्ड गवर्निंग बॉडी। महानगर निगम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपकी राज्य के तौर पर सरकारी शासी निकाय है जो वर्क करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि महानगर जो होते हैं उनके विकास के लिए।
विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख्स। उसकी जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या, वो 10 लाख से ऊपर होती है। द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन इन द सिटीज़ ऑफ इंडिया आर, सबसे बड़े निगम जो हैं इंडिया के शहर में वो हैं आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड अहमदाबाद। फंक्शंस, अब हम फंक्शंस यानि कि कार्य पढ़ेंगे नगर पालिका और महानगर निगम की। द मेन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नगर पालिका एंड महानगर निगम इंक्लूड, जो मेन फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है नगर पालिका और महानगर निगम की, उनमें शामिल है फर्स्ट, सप्लाई ऑफ प्योर एंड होलसम वाटर, शुद्ध और पौष्टिक पानी की सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, जो पब्लिक स्ट्रीट्स होते हैं उनको बनवाना और उनका रखरखाव करना, लाइटनिंग एंड वाटरिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, पब्लिक स्ट्रीट्स पर लाइट की व्यवस्था करना और पानी की, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स प्लेसेस एंड सीवर्स, पब्लिक स्ट्रीट्स प्लेसेस और सीवर्स की सफाई रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स की मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव करना, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना करना और उनका रखरखाव करना, रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्शंस इन पब्लिक स्ट्रीट्स एंड अदर प्लेसेस, पब्लिक स्ट्रीट्स और दूसरी जगहों के जो अवरोध होते हैं और अनुमान हैं उनको हटाना, नेमिंग स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग हाउस, स्ट्रीट्स का नाम रखना और हाउसेस जो होते हैं घर उनको नंबर देना, प्रोवाइडिंग फायर फाइटिंग सर्विस और अग्निशमन जो सर्विस होती है उसे प्रोवाइड कराना। अब है सोर्सेस ऑफ इनकम यानी कि महानगर निगम और नगर पालिका की इनकम के सोर्स। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द अबव फंक्शंस, जो आपको फंक्शंस अभी बताए थे उन फंक्शंस को चलाने के लिए, बोथ द बॉडीज हैव द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम, दोनों निकायों के पास जो अभी सोर्स आए जो आपके नीचे शो हो रहे हैं वो आपके सोर्स होते हैं इनकम के, एक नगर पालिका और महानगर निगम के। तो फर्स्ट है ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से अनुदान, टैक्सेस यानी कि कर, जिसमें आपका आता है वाटर टैक्स, पानी का टैक्स, सीवेज टैक्स, हाउस टैक्स, घर का टैक्स, कैटल टैक्स, जो आपके जो कैटल्स होते हैं गाय वगैरह वो, पार्किंग टैक्स एक्सेट्रा, और भी टैक्सेस आते हैं। फिर है लाइसेंस एंड परमिशन फीस, लाइसेंस और अनुमति शुल्क, इनकम फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, नगर पालिका की जो संपत्तियाँ हैं उनसे आए, ये होते हैं इनकम के सोर्स। अब है हाउ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड द कंट्री एज अ होल आर गवर्न्ड, यू हैव स्टडाइड इन द लास्ट लेसन, पिछले लेसन यानी कि चैप्टर 6 में आप ये पढ़ चुके हैं कि कैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और एक देश को पूरी तरह से शासित कैसे किया जाता है।